ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रियलमी स्मार्टफोन के जिसकी कीमत दोस्तों आपको मिलेगी 10,000 रुपए से भी कम। और दोस्तों इन स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी आपकी बड़ी बैटरी और साथ ही आपको कई और कमाल के फीचर्स। आज की वीडियो में हम ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करें वीडियो को लंबी ना करते हुए, सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी के ही पहले स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 30A के बारे में। दोस्तों शुरुआत करेंगे इसकी कीमत से, तो इसके अंदर देखने को मिलती है आपको दो वेरिएंट, जिसमें आपको इसका पहला वेरिएंट देखने को मिलता है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है 8,999 रुपए। अगला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है आपकी 9,999 रुपए। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको ही बड़ी देखने को मिलती है, 6.5 इंच की एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। प्रोसेसर देखने को मिलता है गेमिंग प्रोसेसर बजट वाला, मीडियाटेक का हेलियो G85। दोस्तों कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है अगर कम बजट के स्मार्टफोन की बात करें। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में कैमरा आपको बैक पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, सेकेंडरी आपको पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, तो वहीं आपको एक 6000mAh की बड़ी पावरफुल बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है 18V के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों स्मार्टफोन में फीचर्स आपको काफी कमाल के दिए गए हैं, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला अगर आप 10,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा Realme C11। दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, कीमत है सिर्फ 6,999 रुपए। साथ ही दोस्तों इसके अंदर भी आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो 1.6GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो प्रोसेसर भी ठीक ठाक है कीमत के हिसाब से देखा जाए तो। और वहीं आपको इसके अंदर 8 का बैक पे कैमरा देखने को मिलता है, तो फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी आपको इसकी 5000mAh की बड़ी बैटरी ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों स्मार्टफोन ये भी अच्छा है, कीमत इसकी बहुत कम है जिस हिसाब से इसके फीचर्स दिए गए हैं, तो स्मार्टफोन Realme C11 है कमाल का 6,999 रुपए में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो अगला स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है Realme C25। दोस्तों एक नया Realme का स्मार्टफोन है जिसकी कीमत है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की 9,999 रुपए। अगला वेरिएंट इसका है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है आपकी 10,999 रुपए। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको सेम साइज डिस्प्ले का देखने को मिलता है, 5 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। साथ ही अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है आपको मीडियाटेक का हेलियो G70। दोस्तों ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर ही है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको इसकी थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फोन में आपको देखने को मिलते हैं ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप बैक में, 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, दो सेंसर अलग अलग 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट पे एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, तो वहीं आपको एक 6000mAh की बैटरी के साथ 18V का फास्ट चार्जर भी इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों स्मार्टफोन ये भी काफी कमाल का है, Realme का नया स्मार्टफोन है Realme C25 जो कि Realme C11 के बाद लॉन्च हुआ था, जिसके फीचर्स कुछ कुछ आपको वही देखने को मिलते हैं, प्रोसेसर और आपको कैमरे में थोड़ा फर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों Realme C20 की बात करें तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 6,999 रुपए देखने को मिलती है। साथ ही इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले सेम साइज है, 6.5 इंच HD प्लस रेजोल्यूशन। साथ ही दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक का हेलियो G35 जो कि दोस्तों एक कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है कम कीमत में। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में बैक पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तो फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और अगर दोस्तों बैटरी की बात करें तो दोस्तों 6,999 रुपए में आपको 5000mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन की Realme की, जो कि दोस्तों हमारा आखिरी Realme का स्मार्टफोन होने वाला है आज की लिस्ट में, जो कि दोस्तों हमारा होगा Realme C21। दोस्तों इस स्मार्टफोन में है आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी कीमत है 7,999 रुपए। अगला वेरिएंट है आपका 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है आपकी 8,999 रुपए। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले साइज सेम है, 6.5 इंच HD प्लस रेजोल्यूशन। अगर प्रोसेसर की बात करें तो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, मीडियाटेक का हेलियो G35। कैमरे की बात करें, बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, 2-2 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, वहीं एक 5000mAh की बैटरी आपको स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों Realme के सारे स्मार्टफोन में अब आपको स्पेसिफिकेशन तो कमाल के ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनकी बैटरी और इनका डिजाइन, पांचों ही स्मार्टफोन का डिजाइन और बैटरी आपको बड़ी देखने को मिलती है। कीमत आपको सारे स्मार्टफोन भी कम देखने को मिलती है, जिस स्मार्टफोन के जैसे फीचर्स वैसे उसकी कीमत। जैसे कि Realme C25 एक अच्छा स्मार्टफोन है, डिजाइन आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, उसी तरीके से दोस्तों सारे स्मार्टफोन है। आपको कौन सा स्मार्टफोन आज पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे हिसाब से तो सारे स्मार्टफोन अच्छे हैं, आपको कौन सा आया कमेंट जरूर करें। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड
जय हिंद।